हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं और यहाँ पे वेदर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और व्यू भी बहुत अच्छा है। जैसे आप देख सकते हो, ऑल ग्रीन 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 एंड वाओ, ब्यूटीफुल सनसेट। अभी हम शिवी और रुद्रांश की नानी हाउस में हैं और ये यहाँ पे सनसेट का व्यू है। मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा। कमेंट्स में प्लीज़ कोई कंजूसी मत करना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, ये रास्ता है, कच्चे रास्ते हमारे हिमाचल के जो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें चलने में भी मज़ा आता है, ये एडवेंचर्स भी होता है और वैसे भी ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत लाइट है, बिल्कुल भी नहीं है तो मैंने गलत बोल दिया, थोड़ी बहुत है, थोड़ा सा फैन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और क्रो जो कि हमें हिमाचल के अलावा बहुत कम जगहों पे देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, जैसे ओ, एक चिड़िया रानी जा रही है, बस तो बहुत सारे रहते हैं, अभी आ ही नहीं रहे हैं, मैं बुला भी नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं एक्चुअली उनको बुलाते कैसे हैं। आई डोंट नो कि कैसे बुलाते हैं, आते हैं तो फिर मैं आपको वीडियो बना के जरूर शेयर करती हूँ, या मेरी वीडियो ख़त्म होने से पहले आ जाते हैं तब भी मैं आपको बता दूंगी। बर्ड्स तो आए नहीं, बट मैं आपको वो दिखा देती हूँ, पपाया का ट्री। ये पपाया का ट्री है, उस पर बहुत सारे छोटे 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 पपाया गए, और साथ में एक मैंगो ट्री है। हेलो शिवी, हेलो शिवी, से हेलो। और ये मैंगो ट्री है, और अभी ना इसमें छोटे 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 मैंगोज लगना स्टार्ट हुए, अभी तो 1 मई है, अभी तो छोटे छोटे मैंगोज हैं। ओह नो, एक मेरे से गिर गया। हाँ आप ले लो खेलने के लिए, खाना मत, अभी कच्चे होते हैं ना तो ये हेल्दी नहीं होते खाने के लिए। ओके, अभी 1 मई है, ये जून जुलाई तक तो मतलब बहुत यम्मी बन जाएंगे। ओके, लास्ट टाइम हम गिर गए थे ना यहाँ से, हमारा पाँव स्लिप हो गया था, हमें आपको आदत ही नहीं है यहाँ पे चलने की, तो आपका पाँव स्लिप हो गया। हाँ हाँ यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कुछ होता है कुछ होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता, इनफैक्ट शिवी को पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पे कैसे उतरना है ना। शिवू पर्स पकड़ना, मम्मा पर्स क्यों लेके आए हो आप यहाँ पे, पर्स का क्या काम है, यहाँ तो कोई शॉप भी नहीं है, और ट्री से कोई भी फ्रूट लेने के लिए हमें पैसे पे करने नहीं पड़ते, ना हमें पपाया के लिए पे करना है, ना हमें मैंगो के लिए पे करना है, और ना हाँ आप नकली में कुछ भी खेल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जो है वो गेहूँ काट दिया, खाली हो चुके हैं हमारे खेत, अभी ये प्ले ग्राउंड है, इनमें हम खेल सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, जो कि हमारे पास वहाँ पे गार्डन्स होते हैं सिटीज़ में, तो यहाँ पे हमारे पास खेत हैं जिनमें हम खेल सकते हैं। ये खट्टे का पेड़ है, आई डोंट नो खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या कहते हैं। और ये गवावा ट्री है। ओह शिवा भी, हमें यहाँ पे चढ़ना है इस पहाड़ी पे, ये हमारा रास्ता है। एक मिनट एक मिनट, ओह मुझे अच्छे से अच्छे गिर जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ बेटा ये मैंगो है, मैंगो अभी स्मॉल स्मॉल है, नेक्स्ट मंथ तक ना ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनकी हम थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ इनकी हम चटनी बना के खा सकते हैं, और उसके बाद चटनी बना के खा सकते हैं, उसके बाद ये और बड़े हो जाएंगे, फिर पक जाएंगे, फिर इनको हम ऐसे भी खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और सबसे बड़े वाला ये है, सबसे बड़े वाला यहाँ पे भी है, इनफैक्ट हर जगह मैंगो ट्रीज है, यहाँ पे भी है। मम्मी मेरा तो मन खुश हो गया, मैंगो ट्री मैंगो, अरे छोटी सा मैंगो गिरा हुआ है।
ओके, लेकिन बड़े वाले पेड़ पे नहीं लगे, छोटे वाले पे लगे हैं, वो भी कम कम, क्योंकि लास्ट सीजन में ज्यादा थे ना, इस सीजन में कम है। ओके, खेलने के लिए यूज करना, खा मत लेना कहीं। ओके ओके, बहुत खट्टे होंगे। चलो ठीक है। और क्या है यहाँ पे दिखाने के लिए, और क्या है यहाँ पे दिखाने के लिए, ये है केसर की डालियाँ, ये अमेरिकन केसर है। अभी तो इसके फ्लावर्स, इसकी कलियाँ हमने निकाल ली हैं, और अभी ये पीछे से बचे, इसके अंदर हमें मिलेंगे इसके बीज, अमेरिकन केसर के बीज मिलेंगे इसमें से, लेकिन वो अभी हमें मिलेंगे मई के एंड तक। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज। और गार्लिक है, सूख गया है क्योंकि अब इसको निकालने का टाइम हो गया है, इसके नीचे से गार्लिक निकलेगा। और क्या है हमारे पास खाने के लिए, ब्रिंजल, ब्रिंजल के पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, ब्रिंजल लगे हुए हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए। ओह माय गॉड, शिवी तो खेत में पर्स लेके आ गई है, उसको पता ही नहीं है यहाँ पे एक पर्स का कोई काम ही नहीं है। और ये हमारी हो रही है मिर्ची, मिर्ची प्योरी, जो कि हम बाद में अलग से लगा देंगे, ठीक है। जिंजल, और ये है हमारी लेडी फिंगर, जिसको हम कहते हैं भिंडी, अभी तो बहुत स्मॉल स्मॉल है, अभी हो रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। कमेंट करना, कमेंट करने पे आपको मिलेगी ब्रिंजल की सब्जी। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज गिव योर लव टू हिमाचल ब्यूटी।